मैं ये अभी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि भाई इन लोगों का नारा है रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। पर रामलला का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसके निर्माण का काल एक कालचक्र की गति थी, कोई तारीख नहीं थी। अब आप देखिए, शायद भगवान का मंदिर इंतजार कर रहा था कि जब भारत इस स्थिति में स्वाभिमान के साथ होगा तो भारत के स्वाभिमान की पताका और राम मंदिर की पताका एक साथ ऊपर आएगी। और यह भी देखिए, भगवान राम यदि रावण को मारकर ही धर्म की स्थापना होनी थी तो बहुत सहज था, अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, सेना लेके जाते, रावण को मार देते, पर क्या उससे धर्म की स्थापना होती? नहीं, जनता में विश्वास नहीं आता, क्योंकि लोग कहते आप तो राजा थे, आपने के पास क्षमता थी, कर दिया, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर रीछ भालू समाज के सबसे कोने में पड़े हुए तबके जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, सबको साथ में लेकर संगठित करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया, तब धर्म की स्थापना होती है। और आज संयोग देखिए, जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से भारत की पहली बार प्रथम महिला बनी हैं। यानी जो राम के कालखंड में हुआ वही राम मंदिर के कालखंड में हो रहा है, इसे आपको एक सुखद दैवीय संयोग समझना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।